सर, आईटी रूल्स के अनुसार जहां पे भी ये लगता है कि कोई ऐसी खबर जो देश को तोड़ने के लिए हो, देश की रक्षा सुरक्षा में बात करती हो, या भ्रम और भय फैलाने वाली हो, उसके नियम के अनुसार सर आईटी एक्ट के 69A के अंतर्गत क्लॉज के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है, समय समय पर की है। जैसे कि ऐसे चैनल्स जो देश के खिलाफ मुहिम चलाते थे दुनिया भर में और देश के अंदर भी भय और भ्रम फैलाने का काम या समाज को तोड़ने का सर काम करते थे, तो यूट्यूब के 104 ऐसे चैनल्स को बंद किया गया है, 45 इंडिविजुअल वीडियोस को प्रतिबंध किया गया है। इस हम लिखते हैं उनको और फिर आगे वही कार्रवाई करते हैं। फेसबुक के भी ऐसे 4 अकाउंट्स को और 2 पोस्ट को बंद किया गया है, इंस्टाग्राम के भी ऐसे 3 अकाउंट्स, ट्विटर के 5 अकाउंट्स हैं सर, और ऑडियो स्ट्रीमिंग जो 3 पॉडकास्ट चैनल्स हैं और एप्स ऐसी अलग अलग थी वैसी 2 एप्स को भी और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आईटी एक्ट के 69A क्लॉज के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सर पहले भी सरकार ने कदम उठाए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे कदम भविष्य में उठाने में भी कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी। इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, डिजिटल माध्यमों में खास करके फेसबुक में कुछ ऐसी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि डिजिटल माध्यमों में कुछ ऐसे एड और कुछ ऐसे समाचार आते हैं जिसका जो नई युवा पीढ़ी को भटकाने का काम करती है, खास करके सेक्स सेंट्रिक चीजें आती हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इसका असर नई पीढ़ी पर बुरी तरह से पड़ रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जो नियम के बाहर कुछ भी अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसको समय समय पर कार्रवाई करने के लिए नियम अनुसार ही उनको नोटिस भी दिया जाता है। लेकिन सर, आईटी रूल्स में 2 इसके हिस्से हैं, एक तो न्यूज वाला और एक ओटीटी में कंटेंट वाले पार्ट पे आते हैं। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है तो उस पर भी अलग अलग सर एज ग्रुप के लिए अवसर दिए गए हैं, यूनिवर्सल है, 3 साल से ऊपर वाले के लिए, 7 साल से ऊपर वाले के लिए, 13 साल से ऊपर, या फिर 16 साल और उससे ऊपर अडल्ट वाला आता है। तो हर कोई अपना चैनल पर चुन सकता है कि उसको किस एज ग्रुप का बच्चा कौन देख रहा है। इस पे आर्टिस्टिक फ्रीडम भी है कि वो अपने पक्ष को दिखा भी सकते हैं और जो श्रोता है सर, जो दर्शक है देखने वाला, उसको भी एक ओपन च्वाइस मिलती है कि क्या देखना चाहता है। तो दोनों के लिए फ्रीडम है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए नियम और कानून भी वैसे बनाए गए कि समय समय में उनके ऊपर कार्रवाई भी की है और भविष्य में भी कभी आपके संज्ञान में ऐसा कोई प्रोग्राम आए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।